मिनट के अंदर चीजें अच्छी लगती हैं। और यार वीडियो के अंदर भी झूठ, थंबनेल टाइटल में भी झूठ, ये तो बहुत गलत चीज है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यूट्यूब पर लगे एक ऐसे कलंक के बारे में जिसका नाम है पायल जोन। नहीं नहीं सॉरी सॉरी पागल जोन। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि ठीक आज से 3-4 महीने पहले जो है पागल जोन अपने यूट्यूब चैनल पर ज्यादातर टेक्नो गेमर्स एंड ट्रिगर्ड इंसान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती थी। लेकिन दोस्तों, आजकल जो है पागल जोन ने टेक्नो गेमर्स एंड ट्रिगर्ड इंसान को छोड़कर माई मिस आनंद के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। और अब तक दोस्तों पागल जोन जो है माई मिस आनंद के ऊपर 5 से 6 वीडियो बना भी चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पागल जोन अपनी पहली वीडियो के अंदर कहती है कि माई मिस आनंद फ्रॉड है, तो वहीं दोस्तों अपनी दूसरी वीडियो के अंदर कहती है कि माई मिस आनंद ने जो है मेरी इस वीडियो का रिप्लाई किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों, जब पागल जोन को लगा कि माई मिस आनंद के ऊपर वीडियो बनाने से उसकी वीडियो पर जो है अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों माई मिस आनंद के ऊपर पागल जोन ने एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर पागल जोन कहती है कि सी विल डिलीट माई यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, ये वीडियो का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। फिर उसके बाद पागल जोन ने अपनी एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर कहती है कि मुझे धमकाओ मत लाइव आके, गजब बेइज्जती है। और अभी हाल ही में दोस्तों कुछ ही घंटों पहले जो है पागल जोन ने माई मिस आनंद के ऊपर एक और नई वीडियो अपलोड कर दी है जिसके अंदर कहती है कि प्लीज स्ट्राइक वापस ले लो, मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी बताओ कि इसकी वीडियो के इस थंबनेल को देखकर ऐसा लगता है कि इसका यूट्यूब चैनल डिलीट होगा या नहीं? नहीं। तो दोस्तों, किसी बात की कोई हद होती है? मतलब यार, अपनी वीडियो पर सिर्फ थोड़े से व्यूज पाने के लिए कोई बंदा किसी दूसरे के अगेंस्ट में ऐसी नेगेटिव वीडियो कैसे बना सकता है? तो चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि आखिरकार पागल जोन ने अपनी इस नई वीडियो के अंदर क्या बकवास की है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों के काफी सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे जो कि कहीं ना कहीं माई मिस आनंद से जुड़े हुए थे। तो गाइस, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि माई मिस आनंद गेव मी कॉपीराइट स्ट्राइक। तो हाँ पागल जोन, हम सब तेरी इस बकवास वीडियो के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। पागल जोन, जब हमने तेरी इस बकवास वीडियो के थंबनेल को देखा तो हमें लगा कि सच्ची में जो है माई मिस आनंद तुझे कॉपीराइट स्ट्राइक देगी। लेकिन पागल जोन, हम सभी को नहीं पता था कि तू जो है अपनी हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी पूरी तरह से बकवास करने वाली है और लोगों को अच्छी तरीके से काटने वाली है। तो उस वीडियो से जुड़े हुए आप लोगों के काफी सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे जिसमें आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पागल जोन मर गई या फिर अभी भी जिंदा है। मैं आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई स्ट्राइक का क्या हुआ, क्या माई मिस आनंद ने अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया, क्या मैंने माई मिस आनंद को रिक्वेस्ट किया स्ट्राइक हटाने के लिए, अगर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उनको क्या रिस्पांस रहा। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप इस पागल जोन का? मतलब झूठी बातें भी ऐसे बोल रही हो जैसे कि कोई सच्ची बात बता रही हो। पागल जोन, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेरे पास माई मिस आनंद को लेकर किसी ने भी मैसेज नहीं किया होगा। और पागल जोन, अगर ऐसा कुछ है भी तो तू उन सब के स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो पर लगा सकती थी ताकि उन्हें देखकर हमको भी लगता कि तू जो है बिल्कुल सच बता रही है। लेकिन पागल जोन, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पागल जोन किसी के भी दिमाग में कीड़ा नहीं बैठा हुआ है कि वो जो है तेरे से ऐसे सवाल पूछ के अपना टाइम वेस्ट करे। बल्कि पागल जोन, सभी लोग यही चाहते हैं कि माई मिस आनंद या फिर कोई और यूट्यूबर तेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाले ताकि तेरा चैनल जो है हमेशा के लिए टर्मिनेट हो सके। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये सारी चीजें आप लोग जानना चाहते थे तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पागल जोन ने अपनी इस वीडियो के अंदर जो भी बकवास सवाल बोले तो क्या आप सभी उन सवालों के जवाब जानना चाहते हो? नहीं। और सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में से थोड़ा सा भी टाइम निकाल के मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मेरे से ये सारी चीजें पूछी, मेरे लिए कंसर्न दिखाया। तो दोस्तों, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कौन है वो लोग जो कि पागल जोन को मैसेज कर करके ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो थैंक यू सो मच गाइस। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपसे यहां पे कहना चाहती हूं। तो दोस्तों, अभी तक जो है पागल जोन की पुराने वाली आदत गई नहीं है, ये अपनी एक ही वीडियो के अंदर 4-5 टॉपिक तो ऐसे घुसा देती है, क्योंकि दोस्तों इस बेचारी पागल जोन से जो है अपनी वीडियो के अंदर बकवास करे बिना रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखिए दोस्तों, सभी क्रिएटर्स, सभी यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो छोटे क्रिएटर्स हो बड़े क्रिएटर्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत सभी करते हैं। हाँ तो पागल जोन, ये बात हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि सभी यूट्यूबर जो है अपनी वीडियोस पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन पागल जोन तुझे छोड़कर। क्योंकि पागल जोन, जिस तरीके से तू अपनी ये बकवास वीडियो बनाती है, कभी तो तू अपनी वीडियो के अंदर जिंदा लोगों को जान से मार देती है, तो कभी दूसरों के अंदर बिना बात के कमी निकाल कर उन्हें एक्सपोज कर देती है। तो पागल जोन, तेरे इन वीडियोस को देखकर तो हमें नहीं लगता कि इसमें जो है थोड़ी बहुत भी मेहनत लगती होगी। वेल डन,
क्योंकि जब भी हम लोग अपना नया चैनल खोलते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत कम व्यूज आते हैं, जैसे भाई 10, 50, 25 इस तरीके के व्यूज आते हैं। बट धीरे धीरे करके लगातार मेहनत करने के बाद हम अपनी थोड़ी सी ऑडियंस क्रिएट करते हैं जो कि हमारी वीडियोज को देखती है, और उस ऑडियंस को क्रिएट करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हर एक क्रिएटर को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। प्यारी समझ गई। तो दोस्तों देर से सही, कम से कम इस पागल जो उनको थोड़ी बहुत अकल तो आई कि हर बंदा YouTube पर ग्रो होने के लिए अपनी वीडियोस पर कितनी ज्यादा मेहनत करता है। तो पागल जो ये बात हम सब तो जानते हैं, लेकिन शायद तू नहीं जानती। हर एक क्रिएटर को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कई बार मैं अपनी वीडियोस में बोल देती हूँ कि वो फलाना क्रिएटर तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, बट गाइस ऐसा नहीं है, हर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अपनी तरफ से जितना बेस्ट हम लोग दे सकते हैं उतना ही हम लोग देते हैं। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार पागल जोन आज अपनी वीडियो बनाने के लिए खाकर क्या बैठी हुई है। मुझे लगता है कि पागल जोन को जो है YouTube से अच्छा खासा मोटा पैसा मिल गया, तभी तो देख रहे हो कि कैसे यूट्यूबरों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है। नहीं तो दोस्तों आप ही बताओ कि पागल जोन ने आज से पहले भी यूट्यूबर्स के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात कभी बोली है? इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर किसी को भी मेरी वीडियो से कोई भी दिक्कत होती है तो भाई आके मेरे को एक बार डीएम कर दिया करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपके ऊपर जो भी आप बोलेंगे उसी तरीके का एक्शन अपनी वीडियोस के साथ लूंगी। अगर आप बोलेंगे कि भाई मेरे ऊपर जो वीडियो बनाया है वो हटा दो, मैं हटा दूंगी। रुको जरा, सब्र करो। बट ऐसे यार स्ट्राइक देना तो बहुत ज्यादा बुरी चीज है, क्योंकि फिर चैनल पे भी एक खतरा हो जाता है, भाई डर सा लगा रहता है कि भाई 3 महीने में 3 ना स्ट्राइक आ जाए ना, बहुत ज्यादा डर रहता है। इसीलिए यार मैं तो स्ट्राइक से दूर रहती हूँ और छोड़ दूंगी, बट यार ऐसे स्ट्राइक बिल्कुल भी यार प्लीज नहीं दिया करो, है ना। अब आए ना लाइन पे। तो दोस्तों मैं बहुत देर से यही सोच रहा था कि आखिरकार पागल जोन आज अपनी वीडियो के अंदर यूट्यूबर्स के लिए इतना अच्छा अच्छा क्यों बोल रही है, क्योंकि दोस्तों इस पागल जोन को लगता है कि ये जो है अपनी वीडियो के अंदर यूट्यूबर्स के बारे में अच्छा अच्छा बोल के दिखा देगी और सभी लोगों से भीख मांग लेगी कि कोई भी इसके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट टैग ना दे। तो दोस्तों क्या ऐसा कभी होगा? मैं नहीं बताऊंगा। और पागल जोन तू ज्यादा खुश भी मत हो कि तेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक जो है किसी ने भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दी है। तो पागल जोन एक बात ध्यान में रख ले कि अगर किसी यूट्यूबर की बुद्धि सनक गई तो उसी दिन जो है तेरे यूट्यूब चैनल पर भर भर के कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाली है। यू आर राइट ब्रो। तो गाइस मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। चैनल पे एक वीडियो बनाकर डाला था कि माय मिस आनंद गेव मी कॉपीराइट स्ट्राइक, उस वीडियो को काफी ज्यादा लोगों ने अभी तक देख लिया है, उस पे व्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा ऑडियंस तक वो वीडियो पहुंची है। हाँ तो पागल जोन तू यही तो चाहती थी कि आखिरकार तेरी ये वीडियो जो है सभी लोगों तक जाए और सभी को पता चले कि आखिरकार तू जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के खिलाफ कैसी कैसी बकवास वीडियो बनाती है। पागल जोन एक बात और सुन ले, भले ही तेरी वीडियो पर कितने भी ज्यादा व्यूज आ जाए, भले ही तू यूट्यूब से कितना भी मोटा पैसा कमा ले, लेकिन तेरी वीडियो पर डिसलाइक और कमेंट में गालियां ही मिलने वाली है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। लेकिन गाइस उस पे व्यूज तो है, लेकिन उस वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि उस जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है वो किसी ने भी पूरा नहीं देखा है, बहुत कम देर के लिए उस वीडियो को देखा गया है। जितना मेरा एवरेज रहता है ऑडियंस रिटेंशन उससे भी ज्यादा कम है उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन, यानी कि बहुत कम देर के लिए लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो पागल जोन ये तो तेरे साथ होने ही था, क्योंकि अब जो है लोग समझदार हो चुके हैं और उन सभी को पता चल चुका है कि तेरी वीडियो के अंदर बकवास के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता है, और लोगों को ये भी पता चल चुका है कि तेरी वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं, बस उनका टाइम वेस्ट ही होने वाला है और वीडियो के लास्ट में उन सभी का अच्छी तरीके से कटने ही वाला है। कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। मैंने थंबनेल ऐसा लगाया था कि शी विल डिलीट माय चैनल माय मिस आनंद के लिए, ऐसा लिखा था मैंने, और टाइटल में लिखा था कि माय मिस आनंद गेव मी कॉपीराइट स्ट्राइक, और यही थंबनेल टाइटल देखकर सब लोग कमेंट करने लगे, कुछ लोग लिखने लगे कि भाई बहुत अच्छा किया माय मिस आनंद ने, थैंक यू सो मच माय मिस आनंद आपने इसको स्ट्राइक दिया, इस तरीके के कमेंट करने लगे, और कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं माय मिस आनंद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, माय मिस आनंद प्लीज अपना स्ट्राइक वापस ले लो। तो पागल जोन कौन है वो लोग जो कि तेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि माय मिस आनंद प्लीज स्ट्राइक वापस ले लो? क्योंकि पागल जोन जहां तक मैंने तेरी वीडियो के कमेंट पढ़े हैं तो सभी लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि पागल जोन को कितनी चप्पल पड़नी चाहिए, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि माय मिस आनंद थैंक यू सो मच कि आपने जो है पागल जोन की वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। तो प्लीज पागल जोन ऐसा झूठ मत बोले कर, क्योंकि जितने भी लोग तेरी वीडियो को देखते हैं वो या तो डिसलाइक करने के लिए देखते हैं या फिर कमेंट्स में गाली देने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी के वीडियो के कमेंट में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई पागल जोन को कितनी चप्पल पड़नी चाहिए, तो गाइस मुझे नहीं पता, आप ही बता दो इस वीडियो के कमेंट में। कभी ये मत हो कि बस सच में दे दे आपको स्ट्राइक, तो भाई इतना भी मत करो, है ना, एक लिमिट के अंदर चीजें अच्छी लगती हैं। और यार वीडियो के अंदर भी झूठ, थंबनेल टाइटल में भी झूठ, ये तो बहुत गलत चीज है। तो दोस्तों अपनी वीडियो के अंदर झूठ बोल के सभी लोगों को अच्छी तरीके से काटने वाली और क्लिकबेट की महारानी पागल जोन दूसरे लोगों को सलाह देती है कि ये सब चीजें लिमिट में अच्छी होती हैं। तो गाइस पागल जोन की इन वाहियात बातों को सुनकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही, तो पहले मैं हंस लेता हूँ। तो
तो चलेगा इस सभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर इस वीडियो के अंदर कुछ कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फिर मिलता है आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।